अगर मैगी और पकोड़े सुनकर आपके मन में लड्डू फूट रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, आपको एक बहुत ही मज़ेदार, स्वाद और इंटरेस्टिंग चीज़ खिलाने जा रहा हूँ। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेड्स ऑफ हैप्पीनेस। आज हम बनाने जा रहे हैं मैगी के पकोड़े। यस, यू हर्ड इट राइट, मैगी के पकोड़े। लास्ट के दो वीडियोस में ज्ञान बांटते हैं बांटते हैं ना, तो थोड़ा लगा कि कुछ तूफानी करते हैं, तो आज इसलिए हम मैगी के पकौड़े बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए ऑफ कोर्स मैगी, उसके साथ चाहिए प्याज, टमाटर, कैप्सिकम, बेसन, नमक और फ्राइंग के लिए ऑयल। तो हम पहले चॉपिंग कर लेते हैं। चॉपिंग करते करते आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा मैगी के बारे में, और हम थोड़ा सा जानेंगे कि हाँ मैगी इंटरेस्टिंग क्यों है, इतने लोकप्रिय क्यों है। तो आइए करते हैं चॉपिंग। करने को तो मैं चॉपिंग पहले करा सकता था, बट मुझे अपने चॉपिंग स्किल्स को तो दिखाना थी आपको। स्विट्जरलैंड में ना एक जूलियस मैगी करके एक इंसान थे, उनकी कंपनी का नाम उनके सरनेम के ऊपर था, मैगी। 1984 में स्विस वेलफेयर सोसाइटी थी, उन्होंने उनको बोला कि हमें एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो कि इजी टू कुक हो, वेजिटेबल्स उसमें हो, न्यूट्रिशंस वैल्यू अच्छी हो। तो उन्होंने मैगी का इन्वेंशन किया जो आजकल हम खाते हैं। 1947 आते आते नेस्ले ने मैगी को टेक ओवर कर लिया था, और जो मैगी आज हम खाते हैं इंस्टेंट नूडल्स, वो 1980 में जाकर तैयार हुई थी। एक और बात, दुनिया में सबसे ज़्यादा मैगी कहाँ खाई जाती है? जी हाँ, अपने भारत में सबसे ज़्यादा दुनिया में मैगी इंडिया में खाई जाती है। मैगी इतना पॉपुलर क्यों है? सुपर कंफर्ट फूड है, इजी टू कुक है, इजी इन पॉकेट है, सस्ता सा है। एक मैगी का पैकेट आई गेस 12 रुपए का आता है, जो पहले 10 रुपए का आता था। छोटे हो बड़ा हो, हर उम्र का बच्चा इसको पसंद करता है। वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आ गई हैं इसमें, हर जगह अवेलेबल है, तो इसलिए मैगी का चलन बहुत ज़्यादा है। और एक और चीज़ बताऊँ आपको, मैं मुझे 23 साल लगे थे मैगी के साथ अपने रिश्ता बनाने में। 23 साल का होने के बाद मुझे मैगी का टेस्ट आया, तो मैंने खाना शुरू करा। उससे पहले मैं मैगी खाता ही नहीं था। इसके लिए ना आपको मैगी को हाफ बॉईल करना है, फुल बॉईल नहीं करना, हाफ बॉईल। थोड़ा सा कड़ापन उसमें रहना चाहिए, और मैगी को बॉईल करते हुए आपने हल्का सा उसमें ऑयल डालना है, ताकि मैगी के जो नूडल्स हैं वो चिपके ना। ये जो रेसिपी है ये बहुत ही सिंपल टू कुक है। जितने जेंट्स देख रहे हैं, कभी उनकी नोकझोंक हो जाए अपनी वाइफ के साथ, तो सुपर डुपर कुक है। अभी हम मिक्स कर लेंगे, और अपनी वाइफ को जब खिलाएंगे ना इसको, जितने गिले शिकवे हैं सब दूर हो जाएंगे। मिक्सिंग बाउल में मैगी डाल ली है हमने, टमाटर, प्याज, कैप्सिकम,
अब इसमें डालेंगे हम इसका सीक्रेट मसाला, इसके बिना तो मैगी का टेस्ट ही नहीं आता। थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, तेरा बहुत मन था, जब भी मैं वीडियो देखता था कुकिंग की, मेरा मन था कि कभी मैं भी बोलूँ नमक स्वाद अनुसार, तो आज वो सपना पूरा हो रहा है। बेसन डालेंगे इसके अंदर, बेसन हमने कम डालना, ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना कि हाँ बाइंड हो जाए। मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, जनरली संडे को जब मैं घर पर होता हूँ तो, और मेरे पास टाइम होता है तो मैं कुकिंग करता हूँ, अपने घर वालों को नई नई चीज़ें खिला के सिखाता हूँ। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, कुछ आपकी नॉलेज में वैल्यू एडिड हो रहा है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं कि हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप क्या देखना चाहेंगे। कमेंट से ना हौसला बढ़ता है नई नई चीज़ें ट्राई करने का। कमेंट में लिख के जरूर बताना कि किन किन लोगों ने पहले मैगी के पकौड़े खाए हुए हैं या सुने हुए हैं। मैंने तो कभी नहीं सुना, अपना बस थोड़ा सा दिमाग लगाया। बैटर बन गया। मेरा ना लास्ट के दो वीडियो से एक पीजे सुनाने का बहुत मन कर रहा है, टिंगलिंग सा कर रहा है मुझे ना पीजे की, बाहर निकलूँ मैं, सुनाऊँ मैं आप दुनिया को, तो चलो सुनाता हूँ आपको मैं। अगर हंसी आए आपको तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। व्हाट डू यू कॉल एन एसिड विद एन एटीट्यूड? अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। समझ में आया आपको? अगर आया तो कमेंट में जरूर लिखना, नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम के लिए कोई अच्छा सा जोक्स लेके आना। इसको आप छोटे छोटे बॉल भी कर सकते हैं, बड़े बड़े बॉल भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। छोटे छोटे बॉल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे इवनली कुक होगा, जल्दी कुक होगा, बेसन है ना, वरना कच्चा रह जाएगा बड़े बड़े बॉल्स होंगे तो। आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं ईज़ के लिए शैलो फ्राई कर रहा हूँ। डीप फ्राई भी कर सकते हैं इसको, आप इसको एज ए बैटर यूज़ कर सकते हैं चीला बनाने के लिए, उसमें स्टफिंग कर सकते हैं पनीर की, डिफरेंट डिफरेंट आप कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स के साथ, और आपको एक्सपेरिमेंट करके अच्छा लगेगा। अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके साथ तो डू कमेंट इन दिस कमेंट सेक्शन, ताकि हम उसको अपने व्यूअर के साथ शेयर कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो डू लाइक इट, डू शेयर इट, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब इट। आप ये स्टूडियो लाइट्स देख रहे हैं, ये सब DIY है, मैंने खुद डिजाइन करी है ये। बेसिकली इसमें क्या चाहिए आपको, PVC पाइप जो भी रखता होगा या वहाँ से ले सकते हैं आप, 2 इंची का पाइप चाहिए आपको, एक 4:2 का रिड्यूसर चाहिए आपको, और एक आपको हेवल्स की अरोरा लाइट चाहिए 4K में। ये मैं ब्रांड प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट क्योंकि 4K लाइट जो है अरोरा हेवल्स की, वो उसमें ग्लेयर नहीं है, कुछ ऐसे दिखती है ये,
देखा क्लियर नहीं है ना बिल्कुल भी, तो ये आपको अच्छा एम्बियंस देगी आपको आपकी शूटिंग करते वक्त। मेरा जो पहला वीडियो था वो मैंने 11 रीटेक बाद अपलोड किया था, फिर भी बसड़ था। सेकंड वीडियो आते आते वो रीटेकिंग की जो फ्रीक्वेंसी थी वो घटकर 6 रह गई थी, और ये वाला वीडियो मैं तीसरे रिटेक में बना रहा हूँ। गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, ये थोड़ा सा पकने दीजिए, अभी और अच्छा कलर आएगा इसके ऊपर। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, आप देख ही सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं सारे। अब हम इसको डिशॉप कर लेंगे। लीजिए, तैयार हैं मैगी के फ्रिटर्स, या मैगी के भजिए, या मैगी के पकौड़े। गर्मा गर्म खाइए और खिलाइए लोगों को, अपने सगे संबंधियों को, दोस्तों को, और बताएं कि आपको कैसा लगा। नमस्ते।